ठीक है। तो हमारा जो है ब्रांच और वर्क हमें क्या करना होगा ये हमें पता चल गया। अब आते हैं जॉब। सबसे ज्यादा डाउट ये रहता है कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, या प्राइवेट जॉब होगा, प्राइवेट ही मिलेगी या गवर्नमेंट में मिलेगी। तो इसमें दोनों जॉब है, गवर्नमेंट में भी है और तुम्हारा प्राइवेट में भी है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में हमें कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में हमारी एक नाम सुना होगा आप लोग सेल का, सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये हमारे डिप्लोमा लेवल्स में वैकेंसी निकलती है सेल में। ये चार जगह है तुम्हारा, कहाँ कहाँ पे है तुम्हारा, उड़ीसा में है, बंगाल में है, छत्तीसगढ़ में है और झारखंड में है। उड़ीसा, बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है। दूसरा है हमारा वाइजैग, जिसे हम RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड भी बोलते हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, तीसरा हमारा है CDGI सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री। चौथा तुम्हारा CGCRI पांचवा तुम्हारा है CEL सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। छठा है तुम्हारा NIT राउरकेला। सातवां तुम्हारा है NID आवाज नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ये तुम्हारा गुजरात में भी है और हरियाणा में भी है।
सीजीसी आ रहा है तुम्हारा खुर्जा में है, ये तुम्हारा फिरोजाबाद में सामने आपने कॉलेज के सामने ही, ठीक है। तुम्हारा आठवा आता है डीआरडीओ, ये तुम्हारे गवर्नमेंट सेक्टर है, हो गया। तो ये तुम्हारा सेल में, सेल में हमारा क्या है एज ए टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन, इस रूप में हमारा डिप्लोमा लेवल में वैकेंसी आती है। हायर लेवल में भी है, जैसे एमबी, ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग बीटेक से है, तुम्हारा डिप्लोमा से है तुम्हारा टेक्नीशियन या टेक्निकल असिस्टेंट। वाइजैक में भी सेम है, ये दोनों स्टील कंपनी है गवर्नमेंट की, सेल और हमारा वाइजैक क्या है गवर्नमेंट सेक्टर की स्टील कंपनी है, जहाँ पे स्टील मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पे हमें गवर्नमेंट जॉब मिलता है। सीडीजीआई जो ये तुम्हारे क्लास के कॉलेज के सामने है, उसमें क्या है बीटेक लेवल पे तुम ग्लास टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो बीटेक एमटेक से। डिप्लोमा लेवल में तुम्हारा टेक्निकल असिस्टेंट और सीजीसीआई है एजुकेशन के हिसाब से, बीटेक अगर यदि आप करते हैं तो टेक्नोलॉजिस्ट है, और अगर जो डिप्लोमा लेवल से जैसे आप लोगों के लिए टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन या फर्नेस ऑपरेटर, इस टाइप से जॉब निकलती है। सेल के लिए डिप्लोमा लेवल पे नहीं है, बीटेक लेवल पे, बीटेक एमटेक लेवल पे। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये गवर्नमेंट सेक्टर में है। एनआईटी में आप पीएचडी एमटेक पीएचडी करके प्रोफेसर भी बन सकते हो, ठीक है। डिप्लोमा लेवल से टेक्निकल असिस्टेंट, हमारे हमारा बैचमेट है, कई बार हम उसके बारे में बात की है, शिव कुमार वर्मा, जो वहाँ पे जॉब कर रहा है डिप्लोमा लेवल से, हमारे ही बैच का पास आउट है, तो वहाँ पे किसमें एनआईटी राउरकेला में, एनआईटी में भी जो डिजाइन वाले में भी बीटेक लेवल से हायर एजुकेशन से, यदि आप सिरेमिक से बीटेक किए हुए हैं, एमटेक किए हुए हैं या पीएचडी किए हुए हैं, तो किसमें मिलेगा तुम्हारा डीआरडीओ हुआ, एनआईटी हुआ और सेल हुआ। एनआईटी में प्रोफेसर के लिए भी तुम्हारा बीटेक एमटेक यानी हायर एजुकेशन होना जरूरी है। अब हायर एजुकेशन के लिए हम कॉलेज कहाँ से जाए, मैं डिप्लोमा का तो हमें पता है अपने यहाँ खुर्जा में डिप्लोमा लेवल से हमारी ब्रांच का, और अगर जो बीटेक या एमटेक करना है तो बीटेक के लिए अपने का अपने यहाँ है बीएचयू में, ठीक है, अपने यहाँ जो ब्रांच है बीटेक लेवल से वो कहाँ पे है, सेकंड ईयर वाले कितने कितने लगे हैं, तो बीटेक के जो कॉलेजेस हैं अपने वो कहाँ कहाँ पे हैं, अपने बीएचयू में भी है। लेकिन बीएचयू वाला क्या करता है, जो हम देते हैं ना आईआईटी के लिए एग्जाम जेई का जो देते हैं उसके द्वारा थ्रू वो लेता है, इंटर से जो हम जेई का एग्जाम देते हैं वहाँ उसके थ्रू वो लेता है। जो एनआईटी राउरकेला है वो उसमें भी बीटेक करने के लिए हमें जेई क्वालिफाई करना होगा। यदि आप डिप्लोमा लेवल से भी जाना चाहते हैं, जैसे हमने एनआईटी राउरकेला में पढ़ाई की है, तो उसके लिए आपको क्या होगा डिप्लोमा करने के बाद बीटेक करना होगा, बीटेक करने के बाद क्या है गेट क्वालिफाई करना होगा, गेट टेस्ट होता है, जैसे आपने पॉलिटेक्निक के लिए टेस्ट दिया होगा ऐसे बीटेक के बाद गेट क्वालिफाई गेट का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। यदि आप उसमें क्वालिफाई हो गए तो आपको आईआईटी एनआईटी में पढ़ने का मौका मिलेगा, उसके साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है, जैसे हमारे समय में 12,500 रुपया मिलता था पर मंथ, यानी आप गेट क्वालिफाई करते हो और हायर एजुकेशन के लिए आप जाते हैं एनआईटी या आईआईटी में, तो आपको स्टाइपेंड के रूप में मिलता है हर महीने 12,500 मिल रहा था मुझे, अभी कितना मिल रहा है वो नहीं पता, ठीक है। उसके बाद यदि आप पीएचडी करते हो तो आपको 27,000 रुपया पर मंथ मिलेगा, आपके पढ़ाई के साथ साथ आपको खर्चे के लिए स्टाइपेंड के रूप में 27,000 ऐसे ही स्टार्टिंग है सर, 25 से 27 के बीच में वो स्टार्टिंग है। तो हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज आप यहां से बीटेक करने के लिए जाओगे तो बीकानेर है, यहां से
अगर जो आप जेई का क्वालिफाई नहीं करते हो, डिप्लोमा लेवल से आप करना चाहते हो, तो पहले अपना बीकानेर में जो परसेंटेज बेस पे मेरिट बेस पे वो एडमिशन लेता है, कोई एंट्रेंस एग्जाम उसका नहीं है। दूसरा क्या है, तुम्हारा कोलकाता में है। तीसरा है गुलबर्गा में, ठीक है। चौथा तुम्हारा एमपी में है। एक पांचवा है अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, तो वो भी तुम्हारा बीटेक कराती है, ठीक है। लेकिन सबसे सिंपल से जैसे कि कोलकाता में क्या हुआ, वहां का और रेजिडेंस मांगता है। कोलकाता का एंट्रेंस टेस्ट आप पास कर लोगे, एडमिशन के लिए बोलता है यहाँ का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक दो साल के लिए आप रहते हो, तो प्रॉब्लम होती है एडमिशन के समय। तो सबसे अच्छा बेटर है तुम्हारा बीकानेर। अन्य यूनिवर्सिटी भी नहीं मानती है वहाँ का रेजिडेंशियल, वहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है। तो बीकानेर ज़्यादा बेटर है, आप वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि वो भी हिंदी भाषित राज्य है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो हायर एजुकेशन के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, बीटेक करने के लिए कहाँ कहाँ पे हम जा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के पता चल गया कि कहाँ पे है ना, इन जगहों पे हमारा गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है। लेकिन माइंड में ये रखो, बहुत कम वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी आती भी है तो चार या पांच, ठीक है, चार या पांच। लेकिन वैकेंसी कम है लेकिन कॉम्पिटिशन भी कम है, कॉम्पिटिटर कम होंगे, क्योंकि अपना मान लिया जाए डिप्लोमा लेवल से है, आप डिप्लोमा लेवल पे जाओगे तो डिप्लोमा लेवल से क्या है, आपने यूपी का मान लिया जाए कोई वैकेंसी आती है तो कितने लड़के पास आउट होंगे, सीटीसीआर आई है, सीटीटीआई है, तो ये ऑल ओवर इंडिया का तो लेते हैं, लेकिन अपने यहाँ डिप्लोमा के दो कॉलेजेस हैं, एक खुर्जा में एक यहाँ, तो पाँच कॉलेजेस हैं, तो अगर पाँच वैकेंसी आए तो कॉम्पिटिटर कम होंगे, वे प्रतिभागी कम होंगे। लेकिन अगर जो आप मैकेनिकल केमिकल है इलेक्ट्रिकल की बात करोगे तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, हर साल बहुत सारे लड़के पास आउट होते हैं ना, उसमें अगर जो 50 वैकेंसी आती है, मतलब 100 आते हैं, तब भी वही रेशियो वही रहता है भाई, वैकेंसी ज्यादा है तो कॉम्पिटिटर ज्यादा है, अपनी वैकेंसी कम है तो कॉम्पिटिटर कम है, प्रतिभागी कम है ना, तो रेशियो लगभग इक्वल, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं हमारा प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे तुम्हारा जो अच्छी अच्छी मेल है एमएनसी कंपनियां हैं, जैसे तुम्हारा क्या हुआ टाटा, प्राइवेट सेक्टर में जो एमएनसी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट भी जैसी फैसिलिटी देती है, गवर्नमेंट जैसी सुविधाएं देती है, प्राइवेट सेक्टर में तुम्हारा क्या होगा, टाटा स्टील, टाटा रिफैक्टरी, इसमें होगा टाटा, दूसरा जेएसडब्ल्यू, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस, तुम्हारा जो आती है एचआर जॉनसन भी आ जाती है, अभी तो प्राइवेट हो गया, पहले वो लिमिटेड थी। उसके बाद और बहुत सारी कंपनियां हैं, छोटी मोटी तो बहुत है, ये तो है लिमिटेड कंपनियां जहां पे आप जा सकते हैं, ठीक है। ये जो टाटा हुआ, जेएसडब्ल्यू हुआ, रिलायंस हुआ, ये जो तीन कंपनियां ना गवर्नमेंट से भी ज्यादा फैसिलिटी देती है। टाटा में हुआ तुम्हें पूरा मेडिकल, पूरा फैमिली का सुविधाएं मिलता है, क्वार्टर मिलता है, सब कुछ, मतलब जितनी गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है उतनी ये भी कंपनियां फैसिलिटी देती है। टाटा के तुम्हारा टाटा की फैक्ट्री भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, वहां पे भी हमारा जॉब है, स्टील भी बनाती है, टाटा स्टील भी बनाते हैं, वहां पर भी वैकेंसी निकलती है। जेएसडब्ल्यू तो जिंदल स्टील वर्क्स, ये स्टील बनाती है, तो वहां पर भी हमारी वैकेंसी है। अभी जैसे यहाँ के लड़कों का रिज्यूम मंगाई है टाटा जेएसडब्ल्यू, तो हम डिप्लोमा लेवल में, डिप्लोमा लेवल से ही प्राइवेट कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं इसमें भी हम जा सकते हैं।
ठीक है। तो और छोटी मोटी तो बहुत सारी कंपनियां हैं ना, अनगिनत है। जैसे यहाँ पे फिरोजाबाद में कितनी ग्लास इंडस्ट्री है, बहुत होंगी। इसी तरीके से तुम्हारा गुजरात चले जाओगे, मुंबई चले जाओगे, इन सब जगह पे बहुत सारी कंपनियां हैं, टाइल्स की हुई, ग्लास की कंपनियां हुई, बहुत सारी जगह है जहाँ पे तुम्हारे छोटी छोटी कंपनियां हैं जो पैसे अच्छा देती है। एक बार आप सिलेक्शन हो जाए, स्टार्टिंग में थोड़ा कम देते, लेकिन एक्सपीरियंस पे